तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली से, इसमें तीन लोग इंक्लूड होते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर एडम, उसकी वाइफ क्लेयर और उनका छोटा सा बेबी फिन होता है, जो उन्हें बहुत प्यारा होता है। हमें पता चलता है कि वो लोग कुछ अरसा पहले ही आयरिश नामी एक गांव में रहने आते हैं, जो जंगल के बिल्कुल बीच में होता है। यानी उनके आसपास कोई घर मौजूद नहीं होता, वो लोग वहां पर बिल्कुल तन्हा रहते। उनके यहां आने की रीजन ये थी क्योंकि एडम का प्रोफेशन बायोलॉजिस्ट था। वो यहां पर रिसर्च करने आया था उन ट्रीज की जो मुर्दा हो या फिर बीमार हो। वो एक एक करके हर ट्री को चेक करता। जब उसे ये कन्फर्म हो जाता कि ये ट्री डेड है या बीमार है, तो वो उसको कट करवा देता। जो घर उनको दिया जाता था वो बिल्कुल जंगल के बीच में था, और जंगल बहुत बड़ा था, बहुत भयानक था, बहुत खतरनाक था। उस घर के आसपास कोई मेन रोड, कोई सड़क भी नहीं निकलती थी, लेकिन उनको यहाँ पर आना था क्योंकि ये एडम का प्रोफेशन था। इसी चीज को पेशे नजर रखते हुए एडम और उसकी वाइफ यहाँ पर रहने के लिए एग्री हो जाते। जो घर उनको रहने के लिए दिया जाता वो मुकम्मल लकड़ी से बना था और पुराना भी था, क्योंकि वो जंगल भी बहुत पुराना था। उन लोगों को यहाँ पर रहते अभी कुछ दिन ही होते हैं कि एडम को पता चलता है कि वहाँ पर रहने वाले रिहायशी उससे खुश नहीं थे। खास तौर पर वो उसके काम को सख्त नापसंद करते थे। जब भी एडम गांव में उन ट्रीज को स्टडी करने के लिए जाता, गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इस गांव में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम कॉलम होता है, वो कई बार उनके घर पर आता है और वो एडम की वाइफ को समझाता है कि जो उसका हस्बैंड कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसे बंद किया जाए क्योंकि वो बहुत गलत है और उसको नहीं पता कि वो ये इसके पीछे कितनी बड़ी रिस्क ले सकता है, कितना डेंजर हो सकता है ये। एडम की वाइफ उसकी बातें सुन लेती है। उसके बाद वो एडम को बताती है कि एक बार आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन एडम उसकी बात को इग्नोर कर देता है और ये कह देता है कि ये सब मुझे यहाँ से भगाने की साजिश है और कुछ नहीं। क्योंकि एडम यहाँ पर इरादा करके आया था कि वो अपना काम किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा और वो किसी भी सूरत में अपने काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं कि कॉलम एडम की वाइफ को बार बार समझाने की कोशिश करता है। वो सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि कुछ साल पहले उसकी बेटी भी इसी जंगल में गुम हो जाती है, जो दोबारा वापस कभी भी नहीं आती। उसकी बेटी की ना कोई डेड बॉडी मिली और ना वो उनको जिंदा मिली। उसकी वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था सिवाय वहाँ के रहने वालों के, क्योंकि गांव के लोगों को पता था कि इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं जिसपे वो मुकम्मल ट्रस्ट करते थे। गांव वालों की सोच के मुताबिक उस जंगल में उनके अलावा एक और दुनिया भी रहती थी, एक खतरनाक दुनिया जिन्हें मॉन्स्टर की दुनिया कहा जाता है, जो बहुत खतरनाक होते हैं और जानलेवा होते हैं। और स्ट्रेंज यहाँ पर ये है कि वो किसी ने भी नहीं देखे, बस महसूस किया जाता है उनको। लेकिन वो मॉन्स्टर्स तब तक किसी इंसान को कुछ नहीं कहते जब तक के इंसान उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इन मॉन्स्टर्स के पीछे मुख्तलिफ कहानियां थी, लेकिन कोई भी इसको सही तरीके से समझ नहीं सका क्योंकि उनको कभी किसी ने देखा ही नहीं था। इसके पीछे बहुत से लोगों ने स्टडी की, लेकिन जिसने इसको जानने की कोशिश की, अभी तक यही पता चला है कि वो जिंदा नहीं बच सका। यही वजह थी कि मिस्टर कॉलम, जो उसकी वाइफ को बार बार मना कर रहे थे, वो भी इस जंगल से काफी डिस्टर्ब थे, क्योंकि उसके नजदीक ये गांव कोई अच्छा नहीं था। क्योंकि यहाँ से उसकी बेटी गायब हुई थी, लेकिन कोई भी आज तक ये जान नहीं सका कि वो कहाँ गई है या उसे कोई लेकर गया है। पहले पहल जब कॉलम यहाँ पर आया था उसको भी इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसकी बेटी के गुम होने के बाद ये एक राज ही रहा कि उसकी बेटी कहाँ गई है, तो उसको भी इन कहानियों पर यकीन आने लगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो एडम की वाइफ को समझा रहा था कि वो यहाँ से चले जाए। लेकिन हमें ये पता है, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो किसी की बात नहीं समझता जब तक के खुद उस मसले से, उस बात से दो चार ना हो जाए, जब तक कि वो खुद उसका एक्सपीरियंस हासिल ना करे। एडम के साथ भी यही था, वो इन सबको फिक्टोरिया समझ रहा था, रियलिटी नहीं। अपनी स्टडी के दौरान एडम को यहाँ पर काफी अजीब चीजें महसूस, और उसने देखी वो जंगल में अपनी रिसर्च के लिए जाता है तो वो देखता है कि दरख्त में से ब्लैक तरह का लिक्विड निकल रहा है। उसके बाद वो ब्लैक लिक्विड पर रिसर्च करता है, वो देखता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो उसको उन मॉन्स्टर से कंपेयर नहीं करता और अपनी स्टडी को
अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। वो समझता है कि ये एक न्यू इन्वेंशन है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसी रात से उनके साथ वाकयात होना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ कुछ भयानक होना शुरू हो जाता है। उनके साथ जो पहला इंसिडेंट होता है वो ये होता है कि उनके बेबी के रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और उसके बाद बेबी के रोने की आवाज। ये सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेबी के रूम में उसे देखने जाते हैं। बेबी के रूम में आते ही वो देखते हैं कि किसी ने वहां पर लैंप और विंडो के शीशे को तोड़ दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए वो फौरन पुलिस को कॉल कर देते। उसके बाद एडम को ये बात महसूस होती है कि ये किसी की शरारत है वहां पे रहने वालों की, जो उनको डराना चाहते हैं ताकि वो अपना काम अपनी रिसर्च यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चले जाएं। जब पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच जाता है वो सारी सिचुएशन को देखने के बाद एडम को बताता है एक अजीब बात कि ये किसी बर्ड का काम है, किसी इंसान का काम नहीं। पुलिस वाला उनको ये भी बताता है कि इस जंगल में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं और उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एडम उसकी बात पर भी यकीन नहीं करता और क्लेयर उसकी बातों से डर जाती है। पुलिस वाली की बातें सुनने के दौरान एडम की वाइफ को याद आता है कि जब वो यहाँ पर आए थे उनके घर के विंडोज पर लोहे के बड़े बड़े राड लगे हुए थे। दिखने में ये चीज काफी अजीबोगरीब नजर आई, इसीलिए उसकी वाइफ ने वो सारे राड वहां से हटा दी। उसकी वाइफ को उस जगह से खौफ आने लगता है और वो भी उन लोगों की बातों पे यकीन करना शुरू हो जाता, लेकिन एडम उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब उन लोगों की चाल है। फिर हम देखते हैं अगले दिन एडम अपने बेटे को लेकर मार्केट कुछ परचेजिंग करने जाता है और वो देखता है उन लोगों का रवैया तो काफी हैरान हो जाता है कि कोई भी उनको पसंद नहीं करता। गांव के लोगों का बिहेवियर देखकर वो काफी डिसहार्ट होता है और उनके आने जाने का जो रास्ता होता है वो बाकी लोगों से अलग रखा गया था। खरीदारी करने के बाद शाम को वो वापिस अपने घर पर लौट कर आता, लेकिन क्या देखा जाता है कि बीच जंगल में उनकी गाड़ी खराब हो और उसे अपने से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र होती है जो कार में उसके साथ होता है, और उनकी गाड़ी ठीक नहीं होती और उनको वहीं पर शाम जाती है और शाम तक वो आवाजें और तेज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो अपने प्रोटेक्शन के लिए डिग्गी खोलता है और उसमें से कुछ निकालता है। वो डिग्गी से सामान निकाल ही रहा होता है कि अचानक उस पे कोई चीज हमला कर देती है और वो डिग्गी के अंदर गिर जाता है और अंदर जाकर बेहोश हो जाता है और काफी देर तक वो वहीं पड़ा रहता है। और जब उसको होश आती है तो वो देखता है मैं तो डिग्गी में बंद हूँ और मेरा बेटा भी रो रहा है गाड़ी। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि उसको कुछ आहट महसूस होती है कि कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए डिग्गी से निकलने की काफी कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद वो पिछली सीट को फाड़ देता है और उसमें से सुराख करके अपने बेटे को वहां से निकाल देता है और अपने बेटे की जान बचा लेता है। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाता है और काफी डिसअपॉइंट होता है कि अब उसको भी ये कहानियां सच लगने लगी कि उसके साथ लाइव इंसिडेंट हो चुका था। वो काफी अजीब होता है, अपनी गन लेता है और फौरन पुलिस को फोन करता है। ये सब माजरा देखकर क्लेयर बुरी तरह डर जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि घर में लाइट ऑफ हो जाती है और वो लोग पूरी तरह डर जाते क्योंकि वहां पर उन्हें किसी के मौजूद होने का एहसास। उसके बाद एडम भी उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि वो कुछ जरूरी सामान अपने साथ ले ले क्योंकि आज रात उनको वो जगह छोड़नी है क्योंकि वो यहां से जा रहे हैं। एडम सोचता है कि हमारी हेल्प करने वाला यहां कोई नहीं है तो मैं अपने बेबी और अपनी वाइफ को लेकर खुद ही गाड़ी ड्राइव करूंगा और उन्हें यहां से ले। अभी वो अपने घर से निकल ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं उनके आसपास मॉन्स्टर्स हैं। उन्हें ऐसा फील होता है लेकिन वो उनको नजर नहीं आती क्योंकि वो अंधेरे में। इस दौरान उनका डॉग गुम हो जाता जिससे वो मजीद खौफजदा हो जाते हैं। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और एडम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उनके इर्द गिर्द बहुत से मॉन्स्टर्स थे और अब वो उनको नजर आने भी लगे थे और वो उन लोगों को मजीद डरा रहे थे जिससे क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ से गाड़ी बेकाबू हो जाती है और गाड़ी उनकी उलट जाती है। उसके बाद वो लोग बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो दोबारा लौट कर अपने घर वापिस आ जाते हैं और किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं ताकि वो वहां पर जिंदा रह सके। उन लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि यहां से निकलना आसान नहीं, काफी मुश्किलात आ सकती। वो दोनों उन मॉन्स्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, काफी हद तक उन मॉन्स्टर्स की बातों के बारे में जान लेते हैं। उन मॉन्स्टर्स की हकीकत उन्हें पता चलना शुरू हो जाता। क्लेयर उसे बताती है कि ये लोग रोशनी और अंधेरे से
बहुत ज्यादा डरते हैं और उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो उसे बताती है कि जब हम यहाँ पर आए थे स्टार्टिंग में, तो वो देखती है कि लोहे के राड वहाँ नसब थे। वो सोचती है कि ये वैसे ही किसी ने फजूल लगाए हैं, इसीलिए वो ये सोचकर उनको वहाँ से उतार कर फेंक देती है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो क्यों लगाए गए थे, क्योंकि जो वहाँ पर रहता था उनसे पहले वो इस मसले से दो चार था, उसे काफी मुश्किल आई थी, उसने अपनी सेफ्टी के लिए वो लोहे के लाड वहाँ पर लगाए थे। वो मॉन्स्टर्स तादाद में इतने ज्यादा थे कि कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एडम और उसकी वाइफ जब ये सब बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपने आसपास कुछ आहट महसूस होती है कि जैसे वहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। एडम उठता है और दरवाजे से बाहर झांकता है और देखता है कि वहाँ पर क्या चीज है। वो अभी देख रहा होता है कि अचानक से एक लंबी सी सुई उसकी आंख में चली जाती है। उसके बाद एडम बुरी तरह पीछे गिर जाता है, क्योंकि उसकी आंख काफी जख्मी हो जाती है और उसमें से खून आने लग जाता है। और वो सुई किसने डाली थी, वो उन मॉन्स्टर्स का ही काम था। वो कहते हैं कि हमें सुबह तक जिंदा रहना है, क्योंकि सुबह की रोशनी में वो कभी इन पर हमला नहीं कर सकेंगी और वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर ये रात बहुत भारी थी और उनके लिए गुजारना काफी मुश्किल था। वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं थी और ये देखते हुए एडम बेसमेंट में जाता है और रोशनी के लिए जनरेटर को स्टार्ट करना शुरू कर देता है। वो जनरेटर स्टार्ट कर रहा होता है कि उसको अपने अंदर कुछ स्ट्रेंज सी चेंजिंग फील होना शुरू हो जाती है, कि जैसे उसकी बॉडी में कुछ चेंजिंग आ रही है, कुछ हो रहा है उसके साथ। उसकी वजह ये थी कि उन मॉन्स्टर्स ने उसकी आंख में उस सुई के जरिए कुछ डाल दिया था। वो फौरन मिरर में देखता है, वो देखता है कि उसका फेस बिल्कुल उन मॉन्स्टर्स की तरह बनता जा रहा है और उसकी वजह ये थी कि उन मॉन्स्टर्स ने अपना कुछ पार्ट उसकी आंख में दाखिल कर दिया था। हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर्स काफी हजार सालों से वहां पर मौजूद थे। जाहिर है इतने ओल्ड मॉन्स्टर्स थे तो वो बहुत खतरनाक हो चुके थे और बहुत भयानक। और इन मॉन्स्टर्स की एक बड़ी बात ये है कि वो कुछ ही वक्त में एक आम इंसान को बिल्कुल अपने जैसा बना सकते थे, और बिल्कुल ऐसा ही एडम के साथ भी हो रहा था। एडम की बॉडी बदल रही थी, उसका कलर बदल रहा था और वो बिल्कुल उन मॉन्स्टर्स की तरह बनता जा रहा था। लेकिन वो देखकर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे का दुश्मन बन जाएगा। हम देखते हैं कि जब एडम जनरेटर स्टार्ट कर रहा होता है, उसके साथ ही मॉन्स्टर्स उसकी वाइफ पर हमला कर देते हैं और उसके साथ भी वही करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने एडम के साथ किया था, यानी अपना कुछ हिस्सा वो उसकी वाइफ की आंख में भी दाखिल करने की कोशिश करते हैं। एडम जनरेटर स्टार्ट कर लेता है और लाइट आ जाती और वो चीजें फौरन वहां से गायब हो जाती। उसकी वजह ये होती है कि वो रोशनी में नहीं आती। एडम बिल्कुल चेंज हो रहा था, जैसे कि उसकी आंख, क्योंकि उन्होंने आंख में अपना हिस्सा शामिल किया था, उसकी आंख बिल्कुल बदल गई थी, उसका रंग बिल्कुल बदल गया था, लेकिन वो अंदर से एक इंसान ही था अभी तक। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और वो उसको कहता है कि ये मॉन्स्टर्स हमें सिर्फ हमारे बेबी की वजह से तंग कर रहे हैं। उन मॉन्स्टर्स का यहाँ आने का मकसद फिन को यहाँ से ले जाना है। हम ऐसा करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको हम अलमारी में छुपा देते हैं, और इस तरह वो बच्चे को अलमारी में रख देते हैं। कुछ देर के लिए वहाँ पर अमन हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो नोट करते हैं कि अलमारी में से उनके बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही और वो काफ़ी एजिटेटेड हो जाती है, फरी हो जाती है। और एडम के लाख मना करने के बाद भी वो उस अलमारी के दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर उनका बच्चा लेटा होता है। वो जैसी अलमारी खोलती है वो एक अजीब चीज दिखती है, एक बहुत भयानक मॉन्स्टर्स, एक काले रंग का मॉन्स्टर्स उनके बच्चे को वहाँ से ले जा रहा है। हालांकि अलमारी में से कोई ले जाने की जगह नहीं थी, तो वो कहाँ से ले जा रहा था? वो दीवारों में से उनके बच्चे को ले जा रहा था। वो दोनों अपने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उनके बच्चे को वहां से लेकर भाग जाता है। वो मॉन्स्टर्स उनके बच्चे को जंगल में लेकर जाता है। एडम की हालत कुछ ठीक नहीं होती, इसीलिए उसकी वाइफ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उस मॉन्स्टर्स के पीछे जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वो देखती है कि उसके बच्चे को एक तालाब में फेंक दिया है। ये देखकर वो फौरन अपने बच्चे को बचाने के लिए उस तालाब में कूद जाती है और वहां से अपने घर आ जाती है अपने बच्चे के साथ। वो अपने बच्चे को लाकर एडम के हाथ में देती है। एडम अपने बच्चे को लेता है और वो नोटिस करता है और कहता है अपनी वाइफ को कि ये हमारा बच्चा नहीं है। हालांकि वो बच्चा बिल्कुल उनके बेटे जैसा ही था, लेकिन ये एडम को नजर आ रहा था कि ये उनका बच्चा नहीं है। एडम के साथ शायद इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि वो भी अब उन मॉन्स्टर्स की तरह बनता जा रहा था, क्योंकि वो बीमार हो गया था, इसीलिए वो उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। ये देखकर उसकी वाइफ उस पर हमला करती है, उसे जख्मी कर देती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। उसकी बीवी सोचती है
कि शायद अब एडम भी उन मॉन्स्टर्स की तरह बन गया है, इसीलिए वो उसको वहां से लेकर भाग जाती है। साथ ही एडम भी अपने बच्चे की और बीवी की तलाश में निकल जाता है। हमने आपको बताया था एक शख्स कॉलम जिसकी बेटी जंगल में गुम हो गई थी, अब वो बच्ची सामने आ जाती है और एडम का बच्चा उसके हाथ में होता है। उसके बाद देखता है वो चारों तरफ से उसको मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है और वो उन सबसे लड़ता है और अपने बच्चे को उनसे ले लेता, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसकी बीवी के पास जो बच्चा है वो उनका नहीं है। उसके बाद एडम को उसकी बीवी और उसका बच्चा मिल जाता है। वो उसको यकीन दिलाता है कि तुम एक दफा मेरे ऊपर भरोसा करो और देखो ये बच्चा हमारा नहीं है। उसकी बीवी के लिए ये सोचना काफी मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल बच्चा उनके अपने बच्चे जैसा था, हूबहू वही कपड़े वही चेहरा। लेकिन वो एक आखिरी बार एडम पे भरोसा करती है और उसके सामने आ जाती है। उसके बाद वो बच्चा जो एडम के पास होता है वो उस बच्चे को लेती है और वहां से फौरन भाग जाती है। एडम वहां पर खड़ा रहता है और फौरन वहां पर सब मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, उस पर हमला कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। उसके बाद दोबारा रात हो जाती है। एडम बिल्कुल सही कह रहा था कि वो बच्चा उनका नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर्स धूप में जल जाते हैं, इसलिए वो बच्चा उस धूप में जल गया था। एडम का अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि अगर वो अपने बच्चे को वहां छोड़ देती, उस बच्चे को ले जाती, तो वो अपने हकीकी बच्चे को वहां पर खो देती। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन मॉन्स्टर्स का टारगेट होता है कि बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें अपनी दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन इस बार वह नाकाम।